गाइस वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 3 क्लियरिंग सेटलमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कैपिटल मार्केट मॉड्यूल फॉर क्लास 12। तो हमारी जो पांच पार्ट्स में हमने जो वीडियो को चैप्टर में जो डिवाइड करके जो हमने पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा है इसमें कि किस तरीके से सेटलमेंट होता है ना। हमने सिक्योरिटी फंड का सेटलमेंट सब पढ़ लिया, रिस्क क्या क्या होते हैं सेटलमेंट में हिडन हमने वो भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि रिस्क को मैनेज करने के लिए एनएससी ने अपने लेवल पर, एनएससीसीएल ने अपने लेवल पर वहाँ पे क्या क्या बोलो ये जो सेटलमेंट एजेंसीज हैं वो क्या काम करती है, ताकि जो रिस्क जो है उसको अगर रिस्क अगर हो भी जाता है तो उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मतलब ताकि रिस्क ना हो, है ना। क्योंकि रिस्क हो जाता है तो फिर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, पर रिस्क ना हो इसके लिए क्या क्या काम करते हैं, रिस्क को ख़त्म करने के लिए, रिस्क को रोकने के लिए क्या क्या काम कर रही है एनएससीई, एनएससी और एनएससीसीएल, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं रिस्क मैनेजमेंट से, ठीक है। अ साउंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इज इंटीग्रल टू या फिर प्री रिक्वेसाइट फॉर एन एफिशिएंट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। एक अगर आप एक एफिशिएंट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम को अगर आप अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे या फिर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे क्रिएट करना चाहते हो, एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आपके लिए उसके लिए आपके पास एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, ताकि क्योंकि अगर एक जगह पर अगर रिस्क बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, अगर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टर वहाँ पर नहीं अपना पैसा लगाएगा। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, जहाँ पर इन्वेस्टर्स को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है और यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैंने जैसे अपना पैसा लगाया मुझे रिस्क ही रिस्क मिला, तो बंदा डीमोटिवेट हो जाएगा और उसके बाद पैसा नहीं लगाएगा। तो अगर आपको एक अच्छा क्लियरिंग सेटलमेंट सिस्टम अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ एनएससी, वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन ऑगस्ट 1995 एंड कॉमेंस क्लियरिंग ऑपरेशन इन अप्रैल 1996, ठीक है। एनएससीसीएल होली ओन सब्सिडरी है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो बनी थी अगस्त 1995 में, और इसने अपना काम करना शुरू किया कब से, क्लियरिंग ऑपरेशन 1996 से, ठीक है। अभी तो देखिए एनएससीसीएल इंश्योर्स दैट ट्रेडिंग मेंबर्स ऑब्लिगेशंस आर कमेंसुरेट विद देयर नेटवर्थ एंड हैज पुट इन प्लेस अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम विच इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड एंड अपग्रेडेड टू प्रीएम्प्ट मार्केट फेलियर्स। द रिस्क कंटेनमेंट मेजर्स आर डिस्कस बिलो। देखिए एनएससीसीएल ने इंश्योर करने के लिए कि जो ट्रेडिंग मेंबर है उसके ऑब्लिगेशन, मतलब कि ट्रेडिंग मेंबर को उनके नेटवर्थ के हिसाब से ऑब्लिगेशन मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेडिंग मेंबर बहुत ही छोटी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं या फिर बहुत ही छोटे लेवल का ट्रेड सेटल कराते हों और अचानक से उनको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, मतलब बहुत बड़ी पोजीशन मिल गई कि आपको ये ट्रेड सेटल करना है ना। तो अगर उसके फंड की पेन होगी, अगर उसकी ऑब्लिगेशन होगी तो वो पेन नहीं कर पाएगा फंड को, या फिर अगर सिक्योरिटी की होगी तो वो सिक्योरिटी की पेन नहीं कर पाएगा। और देखिए किसी भी सिस्टम में अगर एक बायर है तो दूसरी तरफ सेलर होता है, अगर यहाँ से पैसा नहीं गया तो इधर जाएगा नहीं और इधर अगर जाएगा नहीं तो यहाँ से सिक्योरिटी नहीं आएगी, तो ट्रेड तो होने से रहा, ठीक है। तो ये देखना होता है कि ट्रेडिंग मेंबर की ऑब्लिगेशन के हिसाब से, उसके नेटवर्थ के हिसाब से उसको ऑब्लिगेशन दी जाए, ठीक है। सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, और एक बहुत अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश कर रखा है जिसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं, प्री एंड अपग्रेडेड टू प्रीएम्प्ट मार्केट फेलियर्स। प्रीएम्प्ट का मतलब है कि जो मार्केट फेलियर्स हमको सिर्फ दिख रहे हैं, मतलब कि अभी हुए नहीं बट हमको पहले से पता चल रहा है कि ये हो सकते हैं, तो इनसे भी टैकल करने के लिए एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एनएससीसीएल ने या फिर एनएससी ने मतलब बना रखा है। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन से रिस्क मैनेज कंटेनमेंट मेजर्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट मतलब कि देखिए एडिक्वेसी का क्या मतलब होता है, एडिक्वेसी का मतलब होता है इनफ, मतलब कि इनफ मतलब पर्याप्त, मतलब सफिशियंट, ठीक है। तो मतलब कि इनफ कैपिटल होनी चाहिए किसके पास, ट्रेडिंग मेंबर के पास। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है ट्रेडिंग मेंबर के पास। तो जो ट्रेडिंग मेंबर है जो कि ट्रेड करने चला है तो उसके पास जो कैपिटल है वो इनफ होनी चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन के साथ जस्टिस कर पाए, मतलब उसको पूरी तरीके से निभा पाए, ठीक है। द ट्रेडिंग मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड लिक्विड एसेट्स विद एडिक्वेटली कवर वेरियस मार्जिन्स एंड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसको मैं रेड से कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, कि देखो कि जो
ट्रेडिंग मेंबर है उसको लिक्विड एसेट देने होते हैं। लिक्विड एसेट किसके लिए? ताकि वो कवर करे वेरियस मार्जिन्स को और मिनिमम कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए कैपिटल ट्रेडिंग मेंबर के लिक्विड एसेट से। लिक्विड एसेट्स ऑफ द मेंबर इंक्लूड इनिशियल मेंबरशिप डिपॉजिट, मतलब इनिशियल जो मेंबरशिप डिपॉजिट होती है जब जब मेंबरशिप ले रहा होता है ट्रेडिंग मेंबर तो वो एक मेंबरशिप डिपॉजिट पे करता है, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसने किए हैं उसको भी लिक्विड एसेट्स में माना जाता है। ठीक है, मेंबर्स मे प्रोवाइड एडिशनल कोलेटरल डिपॉजिट टुवर्ड्स लिक्विड एसेट ओवर एंड अबव देयर मिनिमम मेंबरशिप डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। देखो जो मेंबर है, देखो क्योंकि जो एक ट्रेडिंग मेंबर है वो क्या है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही पोजीशन पे काम करे, हो सकता है कि पहले वो छोटे लेवल से काम करता था अब वो बड़े लेवल पे काम करे, तो मतलब जितनी ज्यादा बड़ी ऑब्लिगेशन उसको फुलफिल करनी होगी उसके हिसाब से उसके पास कैपिटल भी ज्यादा होना चाहिए। अगर उसे फंड की पेन, अगर उसे ज्यादा फंड की पेन करनी है तो उसके पास ज्यादा फंड होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना। तो उसको वो मेंटेन करना होता है अपनी मिनिमम मेंबरशिप डिपॉजिट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मे, तो मतलब अगर वो अबंदा नहीं करता तो अगर वो आगे नहीं बड़ी पोजीशन पे नहीं जा रहा तो वो एडिशनल कोलेटरल डिपॉजिट नहीं देगा, बट अगर वो जा रहा है तो वो देगा। ठीक है, द एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स लिक्विड एसेट, अब लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में हमें कैपिटल क्या क्या हमें एक्सेप्टेबल बता रखी है, एप्लीकेबल हेयर कट्स आर लिस्टेड। ठीक है, हेयर कट्स क्या होता है, देखो जैसे कि आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो आप बोलते हो कि मेरे पास एक एसेट है जिसकी वैल्यू आपके हिसाब से, मतलब एज एन इन्वेस्टर उसकी वैल्यू आपके हिसाब से 100 रुपये, बट अगर आप बैंक के पास जाओगे वो कहोगे कि इसकी वैल्यू 100 रुपये है और तुम मुझे इसके हिसाब से, ये मेरी एसेट में तुम्हें दे रहा हूँ तो मुझे लोन दे दो, तो बैंक उसका वैल्यू 100 नहीं मानेगा, बैंक उसका वैल्यू कम कर देगा, 85 या फिर 90 कर देगा, क्योंकि मार्केट में चेंजेस होते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं ताकि बैंक को कोई लॉस ना हो। देखो अगर ऊपर गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नीचे चली गई तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, तो ये वाला एसेट जो कि इन्वेस्टर कह रहा है 100 रुपये का, इसको तो रख ही लेगा, अगर 100 रुपये का एसेट देना है फिर कुछ और भी मांगेगा ताकि उसके 100 रुपये पूरे हो पाए। ठीक है, तो ये है हेयर कट, मतलब कि कुछ डिडक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, चलिए कैश इक्विवेलेंट में देख लेते हैं कि कैश में क्या क्या आता है। कैश में कैश आएगा ही आएगा, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट विद फ्रॉम अप्रूव्ड बैंक्स, मतलब कि अप्रूव्ड बैंक से आपके पास बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट हो, बैंक गारंटी फ्रॉम अप्रूव्ड बैंक इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद 10% हेयर कट, मतलब कि अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो वो 10% का डिडक्शन करके उसको लेंगे। ठीक है, यूनिट्स ऑफ लिक्विड म्यूचुअल फंड फॉर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड विद 10% हेयर कट, और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो है उसको भी 10% के हेयर कट से लेंगे। कौन लेंगे, NSE या फिर NSECL, मतलब जिसको भी NSE बेसिकली, क्योंकि वहां पर वो रजिस्टर कर रहा है अपने आप को, जो ट्रेडिंग मेंबर है वो वहां से मेंबरशिप ले रहा है। अदर लिक्विड एसेट क्या है, लिक्विड ग्रुप वन में कौन से आते हैं, इक्विटी शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, तो ये हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स इन डीमैट फॉर्म एज स्पेसिफाइड बाय द NSE फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपॉजिटेड विद अप्रूव्ड कस्टोडियंस, और उस पर भी हेयर कट्स अप्लाई होते हैं वार मार्जिन के हिसाब से, वार मतलब वैल्यू एट रिस्क मार्जिन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड यूनिट्स अदर देन दोज लिस्टेड अंडर कैश इक्विवेलेंट, मतलब जो म्यूचुअल फंड यूनिट है, तो देखो अभी जो हम कैश पढ़ रहे थे, देखो ऊपर आते हैं तो अगर जो कैश है कैश इक्विवेलेंट में भी हमने म्यूचुअल फंड सबसे नीचे वाली लाइन में पढ़ा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे अदर लिक्विड एसेट में भी लिखा है कि म्यूचुअल फंड होने चाहिए, बट जो कैश इक्विवेलेंट में ऐड नहीं हुए उनको, जो नहीं हुए वो वाले अदर लिक्विड एसेट में आ सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन डीमैट फॉर्म एज डिसाइडेड बाय NSECL फ्रॉम टाइम टू टाइम विद हेयर कट्स एज स्पेसिफाइड बाय NSECL, और यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है हेयर कट्स लगेंगे, मतलब कि उसका वैल्यू डिडक्ट कर दिया जाएगा NSE के हिसाब से। ठीक है, अभी एक टेबल दे रखी है हमको, टेबल 3.4 कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स फॉर मेंबरशिप ऑन NSE रुपीज इन लाख, इसको आप समझ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कि किस सेगमेंट में किस तरीके की मेंबरशिप लेने के लिए कितना कैश कितना नॉन कैश NSE को देना होता है, कितना NSECL को देना होता है, कितना टोटल है, कितना नेटवर्थ है, सब कुछ लाख में दे रखा है। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ये डिपॉजिट स्ट्रक्चर की टेबल है। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि जो TM का मतलब है यहाँ पर वो है ट्रेडिंग मेंबरशिप, TM एंड SCM मतलब ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग मेंबरशिप, TM एंड CM ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर, PCM मतलब प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। ठीक है, ये भी है डिपॉजिट एंड नेटवर्थ रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फॉर्म के हिसाब से, इसमें भी सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे ये चेंज हो गया है, इसको भी आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फीस एंड चार्जेस कुछ लिखे हुए हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए है, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं मार्जिन पे,
देखो मार्जिन क्या होता है, दे आर बेसिकली लाइक एन एडवांस पेड बाय एन इन्वेस्टर टू द ब्रोकर, और जो मतलब कि जो एक एडवांस, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, जैसे कि एक इन्वेस्टर है, ठीक है, इन्वेस्टर क्या करता है अपने ब्रोकर को कुछ एडवांस मनी देता है, ठीक है, कि वो ट्रेड करेगा तो उसके लिए एडवांस एक मनी जा रही है यहाँ से, ठीक है, और ये जो ब्रोकर होता है इसको स्टॉक एक्सचेंज को वही सेम मनी ट्रांसफर करनी होती है जो उसको उसको इन्वेस्टर ने उसको दी है, किसके लिए, फॉर मैनेजिंग रिस्क, क्यों क्यों कि वो रिस्क को मैनेज कर पाए, ठीक है। अब आपको समझ लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही हूँ मैं, कि मतलब रिस्क को मैनेज करने के लिए इतना इतना पैसा इधर उधर क्यों देना है ना, फॉर मैनेजिंग रिस्क। चलो इसको एक बार पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। मार्जिन फॉर्म अ की पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। सी अभी हम आगे एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे जिस उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मार्जिन बेसिकली की पार्ट होते हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के। इन द स्टॉक मार्केट देर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी इन द मूवमेंट ऑफ शेयर प्राइजेस। शेयर प्राइजेस के मूवमेंट पे हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। दिस अनसर्टेनिटी लीड्स टू रिस्क, और ये जो अनसर्टेनिटी होती है, जो वोलेटिलिटी होती है, यही रिस्क का कारण बन जाती है, कई बार इससे रिस्क भी हो जाता है, ठीक है, विच इज एड्रेस्ड बाय मार्जिनिंग सिस्टम ऑफ स्टॉक मार्केट। जिससे किसको एड्रेस किया जाता है, मतलब कि किस चीज़ से एड्रेस कर सकते हैं उसको, रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि हम रिस्क मैनेजमेंट की हम पढ़ रहे हैं ना कि हम किस तरीके से रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट। इसके बावजूद भी अगर मार्केट में वोलेटिलिटी के हिसाब से, अगर मार्केट में देखो ट्रेडिंग मेंबर ने पे इन भी कर दिया, पे आउट भी हो गया, बट मतलब पे इन तो हो गया बट मार्केट में चेंजेस आ गए, अब इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो उस समय क्या होगा अगर इन्वेस्टर पैसा नहीं दे रहा, या फिर मतलब जो ये वाली जो प्रॉब्लम है इससे टैकल करने के लिए बेसिकली मार्जिन है। कि अभी हम इसको एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, ठीक है, चलो एग्जाम्पल में समझते हैं इसको। अब एग्जाम्पल को आपको ध्यान से समझना, क्योंकि अगर यहाँ भी आप नहीं समझ पाए तो फिर आपको दिक्कत होगी। बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप आई श्योर कि आप समझ जाएंगे। सपोज एन इन्वेस्टर परचेजेस 1000 शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी एट रुपीज 100। देखो जो एक इन्वेस्टर है वो 1000 शेयर खरीद रहा है, कितने रुपए पे, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए, तो टोटल उसका वैल्यू क्या है 1 लाख, मतलब कि उसको 1 लाख रुपीज देना पड़ेगा किसको, अपने ब्रोकर को, ठीक है। ऑन जनवरी 1, 2008, 1 जनवरी 2008 को एक इन्वेस्टर ने 1000 शेयर खरीदे हैं जिसमें एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, तो परचेज जो अमाउंट जो पूरा हो गया वो है 1 लाख रुपए का, जो कि उसको अपने ब्रोकर को देना है, ठीक है। अब ब्रोकर को कब देना है, ऑन जनवरी 2, 2008, ठीक है, उस दिन या फिर उस दिन से पहले, या फिर 1 तारीख को दे देना है मतलब शाम तक, या फिर जनवरी 2 को देना है। ब्रोकर इन टर्न क्या करेगा, हैज टू गिव दिस मनी टू स्टॉक एक्सचेंज ऑन जनवरी 3, 2008। अब ब्रोकर को 2 तारीख को पैसे मिल जाएंगे, तो ब्रोकर क्या करेगा 3 तारीख तक उसका, क्योंकि पे इन पे आउट डे है, टाइम है, उस दिन सेटलमेंट डे है, तो उस दिन उसको क्या करना है, ये वाला जो पैसा जो कि उसको इन्वेस्टर ने दिया है शेयर खरीदने के लिए, अगर वो बायर है तो शेयर खरीदेगा तो पैसे देगा, और अगर वो इन्वेस्टर, क्योंकि उस इन्वेस्टर ने क्योंकि शेयर खरीदे हैं, आई मीन इट मीन्स वो बायर ही है, ठीक है, तो वो फंड की पे फंड देगा ब्रोकर को, और वो जो ब्रोकर है वही सेम फंड वो कहाँ पे उसको ट्रांसफर करेगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास वो देगा। देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल चांस दैट द इन्वेस्टर मे नॉट बी एबल टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड मनी बाय द रिक्वायर्ड डेट, और इस बात की हमेशा चांस बनी रहेगी कि जो इन्वेस्टर है हो सकता है कि रिक्वायर्ड डेट पे उसके पास इतना पैसा ना हो, है ना। एज एन एडवांस फॉर बाइंग द शेयर्स इन्वेस्टर इज रिक्वायर्ड टू पे अ पोर्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ 1 लाख, और इसीलिए कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि रिक्वायर्ड डेट पे उसके पास रिक्वायर्ड मनी ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, शेयर को खरीदने से पहले, एज एन एडवांस फॉर बाइंग द शेयर, मतलब शेयर को खरीदने से पहले ही इन्वेस्टर को एक जो पूरा जो टोटल अमाउंट है ना उसका कुछ परसेंटेज, उसका कुछ पोर्शन पे करना होता है ब्रोकर को, टू द ब्रोकर एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग द बाय ऑर्डर। जब वो बंदा, जब वो इन्वेस्टर अपना बाय ऑर्डर लगा रहा है उसी समय उसको कुछ पोर्शन टोटल मनी का, कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज, कुछ पार्ट उसको अपने ब्रोकर को देना है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज इन टर्न कलेक्ट सिमिलर अमाउंट फ्रॉम द ब्रोकर अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, और जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है वैसे ही जो स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब जो बेसिकली जो ब्रोकर है उसको स्टॉक एक्सचेंज को वो वाली मनी जो कि उसको एडवांस में जो मिली है अपने इन्वेस्टर से, अपने क्लाइंट से, उसको जो ब्रोकर को मिली है वो उसको स्टॉक एक्सचेंज को देनी है, ठीक है।
दिस इनिशियल टोकन पेमेंट इज कॉल्ड मार्जिन. ये जो इनिशियल जो टोकन पेमेंट है, मतलब मैंने क्या बताया आपको जब मैंने ये बिल्कुल टॉपिक शुरू किया, तो मैंने बताया कि मार्जिन आर लाइक एन एडवांस पेड बाय एन इन्वेस्टर टू द ब्रोकर एंड द सेम अमाउंट इज पेड बाय द ब्रोकर टू द एक्सचेंज फॉर मैनेजिंग रिस्क. ठीक है, ये जो एडवांस जो पेमेंट चल रहा है यही है बेसिकली मार्जिन. ठीक है, चलो आ जाते हैं दोबारा से उस पर. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट फॉर एवरी बायर देर इज अ सेलर एंड इफ द बायर डज नॉट ब्रिंग द मनी सेलर मे नॉट गेट हिज और हर मनी एंड वाइस वर्सा. आपको मैंने अभी आगे ही बताया था कि हर बायर के लिए एक सेलर होता है और हर सेलर के लिए एक बायर होता है. तो अगर बायर पैसा नहीं लाएगा तो सेलर को पैसा नहीं मिलेगा और सेलर अपनी सिक्योरिटीज नहीं देगा. ठीक है, या फिर अगर सेलर ने सिक्योरिटी नहीं दी तो बायर पैसा नहीं देगा. ठीक है, देयरफॉर मार्जिन इज लेवाइड ऑन द सेलर ऑल्सो टू इंश्योर दैट ही और शी गिव्स द 100 शेयर्स सोल्ड टू द ब्रोकर हु इन टर्न गिव्स इट टू द स्टॉक एक्सचेंज. तो क्या करता है, उसने कितने शेयर खरीदे थे हमारे इन्वेस्टर ने, हमारे इन्वेस्टर ने खरीदे थे 1000 शेयर. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मार्जिन सेलर पर भी डिवाइड किया जाता है. ऐसा नहीं है कि बायर को ही सिर्फ एडवांस में पेमेंट करनी होती है पैसे की, सेलर को भी अपने सिक्योरिटी का कुछ परसेंट, कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट उसको अपने ब्रोकर को देना होता है. और जो सेलर का ब्रोकर है वो वाला जो ब्रोकर है वो सिक्योरिटी जो उसको अपने इन्वेस्टर से मिली है वो क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज को वो देता है. ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है कि जो 100 शेयर है वो जो सेलर है वो अपने ब्रोकर को देगा. ठीक है, 100 शेयर. चलो, इन द अबव एग्जांपल अज्यूम दैट मार्जिन वाज 15%. अबव एग्जांपल में आप ऐसा अज्यूम कर लो कि मार्जिन कितना था, मार्जिन था 15%. ठीक है, दैट इज इन्वेस्टर हैज टू गिव ₹15,000. ठीक है, टू द ब्रोकर बिफोर बाइंग. अगर हमने मान लिया कि 1,00,000 की पेमेंट करनी थी और 15% उसका मार्जिन था, तो जो इन्वेस्टर है उसको ₹15,000 अपने ब्रोकर को बिफोर प्लेसिंग द बाइंग ऑर्डर उसको देना पड़ेगा, है ना. Now, suppose that investor bought the shares at 11 a.m. on January 1, 2008. Assume that by the end of the day, price of the share falls by ₹25%. क्या होता है कि जो 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 investor है उसने एक जनवरी 2008 को दिन में जब 11 बज रहे थे तो उसने वो ट्रेड वो ऑर्डर वो लगाया था. ठीक है, उसका ट्रेड वहीं पर एग्जीक्यूट हुआ. तो उस समय क्या था, उस समय एक सिक्योरिटी का प्राइस था ₹100. बट अभी क्या है, वो जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो ₹25 गिर गया. तो अब जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो ₹75 हो गया. तो अब वो ये सोच सकता है ना कि जो सिक्योरिटी ₹75 की हो गई मार्केट में, जो सबके लिए ₹75 की है, मैं उसके ₹100 क्यों दूं, है ना. So that is total, assume that by the end of the day price of the share falls by 25, that is total value of the share has come down to 75,000. Aur jo total value jo 1 lakh thi wo 75,000 ho gayi. That is buyer has suffered a notional loss of ₹25,000. Aur jo buyer tha usko notional loss ho gaya kitne rupaye ka, ₹25,000 ka. Notional loss matlab jo sirf dikhta hai, basically usse kitne ₹25,000 chhine to nahi hai na. तो मतलब उसको वैसा कोई लॉस नहीं हो, पर दिख रहा है उसको लॉस. इन आर एग्जांपल बायर हैज पेड 15,000 एज मार्जिन, बट द नोशनल लॉस बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस इज ₹25,000. दैट इज नोशनल लॉस इज मोर देन द मार्जिन गिव अप. क्या बोल रहा है ये कि हमारे केस में जो मार्जिन था वो कम है और जो नोशनल जो लॉस है वो ज्यादा है. तो अभी क्या करेगा जो बंदा है, वो बोलेगा कि यार अभी देखो 15,000 तो दे दिए, अभी 85,000 और देने हैं. तो और ये 25,000 का नोशनल, मतलब 15,000 दे दे, चलो कोई बात नहीं, 85,000 तो बचेंगे, इसको नहीं देता हूँ. ठीक है, तो उसको भी खत्म करने के लिए क्या किया है एक्सचेंज ने, NACCL ने क्या किया है, इन सच अ सिचुएशन द बायर मे नॉट वांट टू पे ₹1,00,000. उसको अभी 15,000 तो उसने दे दिया, अभी 85,000 और देने. ठीक है, फॉर द शेयर्स हुज वैल्यू हैज कम डाउन टू 75,000. सिमिलरली इफ द प्राइस हैज गॉन अप बाय 25, द सेलर may not want to give the shares at ₹1,00,000. अब अगर सेलर के केस में देखिए तो क्या हुआ, जो सिक्योरिटी का प्राइस था जो कि वो पहले ₹100 पे बेच रहा था, अब मान लो वो 125 हो गया. तो वो कहता है कि मैं ₹25 का लॉस हर शेयर पे क्यों करूं, या फिर मतलब 1,25,000 रुपये मुझे मिलने वाले हैं तो मैं ₹25,000 का नुकसान क्यों करूं. ठीक है ना, तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम, मतलब 1,00,000 पहले प्राइस था, अब 25,000 और बढ़ गया, तो वो 25,000 क्या करेगा, वो क्यों उसको लॉस में डालेगा. हम तो अपना एक भी रुपए बर्बाद नहीं करना चाहते, तो वो इतना पैसा क्यों डालेगा. ठीक है, एज एन एग्जांपल. तो एंड टू इंश्योर दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस मूवमेंट्स, नोशनल लॉसेस आर आल्सो नीड टू बी कलेक्टेड.
मतलब कि इंश्योर करने के लिए कि मार्जिन के अलावा अगर बंदे ने मार्जिन पे कर दिया और नोशनल लॉस उसे उससे ज़्यादा हो रहा है मार्जिन से ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, वो अपने शेयर्स को नहीं खरीदेगा, वो पूरी पेमेंट करेगा नहीं। तो ताकि ये जो यहाँ पर आके दिक्कत ना हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि मार्जिन तो लो ही लो और एक नोशनल लॉस जो कि हो सकता है कि एक मतलब प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है इतना लॉस हो सकता है, तो वो जो नोशनल लॉस निकल कर आ रहा है या फिर हो सकता है तो उसको भी मार्जिन के साथ ही कलेक्ट कर लो। तो इट मींस कि यहाँ पे कितना पैसा जमा करवाना चाहिए था ब्रोकर को अपने इन्वेस्टर से, 15,000 प्लस 25,000, इसका मतलब 40,000 रुपये उसको पहले से जमा करा लेना था अपना, ठीक है, तभी वो जो इन्वेस्टर है वो बाकी की ट्रेडिंग भी करता और वो बाकी के पैसे भी दे देता। तो ये हमने मार्जिन के एग्जांपल पढ़ लिया, इसके आगे का पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वरना कंटेंट बहुत ओवरलोड हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको इतने कंटेंट में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरी।